गैस, कुछ दिनों पहले मेरे पास अजय जी का कॉल आया। करीब शाम के 7:30 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि हैरी भाई, आपके पास जो वेबसाइट है उसमें आपने कमेंट सेक्शन बना रखा है, उसमें आपका जो कमेंट सेक्शन है, आपका कोई भी उसमें कमेंट कर सकता है यूज़र, और मेरी वेबसाइट भी जेंगो में बनी हुई है और मैं भी इस तरह का काम जो है करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी रिप्लाई ऐड कर सकता है मेरी वेबसाइट में, या टाइम स्टैम्प आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी जो है कॉमेंट लिख सकता है। अब अगर मैंने इसको बहुत ही क्विकली किया है, बहुत ही डर्टी वे में किया है, इसको बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। और उन्होंने मुझसे यही पूछा कि हरी भाई, बस यार इतना बता दो कि इसको रिप्लाई को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर मैंने कमेंट बना दिए तो फिर रिप्लाई का क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। मैंने कहा कि यार आप टेंशन बिल्कुल मत लो। उन्हें लगा कि मेरा ये प्रॉपर्टी कोड है और मैं बिल्कुल भी अपना कोड शेयर करना नहीं चाहता हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जितना ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ उतना शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरी आदत में है। बिल्कुल भी मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैंने अगर बना ली तो मैं आपसे छुपाऊंगा और आपको नहीं बताऊंगा कि वो चीज़ मैंने कैसे बनाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट मेरी जेंगो की अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो इसको जल्दी से एक्सेस कर लेना। ये जो मेरी सीरीज़ है, पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है, ये वीडियो और प्रोजेक्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। मैंने ये जेंगो का ब्लॉग प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया था, वीडियो नंबर 72 से स्टार्ट किया था, 71 से सॉरी स्टार्ट किया था। तो ये जो जेंगो का नया ब्लॉग है, ये आप लोगों को बनाने को मिलेगा। आप आराम से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट सही से देखी तो। तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये चीज़ किस तरह से हैंडल करनी है। तो अजय जी और वो सारे के सारे लोग जो कि मुझसे बहुत पहले से पूछ रहे हैं कि ये आपने रिप्लाइज कैसे हैंडल करे, कमेंट कैसे बनाए, उनको जवाब मिलने वाला है इस वीडियो और आने वाले कुछ वीडियोस के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे, समझेंगे कि अगर हमें अपने ब्लॉग में कमेंट लगाने हैं तो एक बेसिक जो मॉडल बनेगा वो क्या बनेगा, और वो रिप्लाइज़ को किस तरह से हैंडल करेगा। तो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उससे भी पहले मैं क्या करूँगा, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो ब्लॉग जो कि हम लोगों ने बनाया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आई कोडर नाम का एक ब्लॉग बनाया था। मैं अगर सब कुछ बंद कर दूं तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है आई कोडर, और उसी के साथ साथ हमने इसमें एक ऐप बनाई थी जिसका नाम होम, और एक और ऐप बनाई थी जिसका नाम ब्लॉग था। तो होम वाली जो ऐप थी हमारी, वो कुछ लॉग इन लॉग आउट साइन अप ये सारी चीज़ें हैंडल करती थी, और उसी के साथ साथ जो हमारी ब्लॉग वाली ऐप थी वो हैंडल करती थी हमारे सारे के सारे ब्लॉग पोस्ट को, और हमारे सारे के सारे जो हमने यहाँ पर एंड पॉइंट्स बना रखे हैं, ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग होम, वो सब हमारी हैंडल करती है। तो ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो हैंडल कर रही है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो होम है वो हमारी होम ऐप है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को एकदम क्लियर होगी। मैंने अपना पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर चला दिया है। तो हमारा जो आई कोडर का यू आर एल्स है, किसी भी जेंगो प्रोजेक्ट के अगर आप लोगों को ये देखना है कि क्या क्या इसमें एंड पॉइंट्स बने हुए हैं, तो सबसे पहले आप लोग उसके प्रोजेक्ट्स के यू आर एल्स डॉट पी वाई को खोल लो। यू आर एल्स डॉट पी वाई को खोल के आपको एक आइडिया लग जाएगा वो प्रोजेक्ट्स क्या है। सारे जो आपकी ऐप्स बनी हुई हैं उसमें उनके यू आर एल्स डॉट पाई को खोल लो। सबसे पहले एडमिन यहाँ पर है, देखो एडमिन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड होम डॉट यू आर एल्स। एडमिन को स्किप कर दो क्योंकि वो आपका एडमिन पैनल है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे पाथ इंक्लूड होम डॉट यू आर एल्स, ये मैंने यहाँ पर बना रखा है। होम डॉट यू आर एल्स जो है वो यहाँ पर है मेरे। तो अगर कुछ भी ब्लॉग के अलावा आप लिखते हैं, ब्लॉग स्लैश के अलावा लिखते हैं, तो वो होम डॉट यू आर एल्स में जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अगर वो मैच करेगा अबाउट कॉन्टैक्ट सर्च साइन अप लॉग इन लॉग आउट, इन सबसे मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मैच होता है तो ये करस्पॉन्डिंग फंक्शन पे चला जाएगा जो कि व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर है, मेरे होम के व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर है। और अगर ये मैच नहीं करता है तो ये अगले पे जाएगा जो कि मेरा ब्लॉग है। ठीक है, अगर मैंने ब्लॉग मैच करा दिया यहीं के यहीं तो मेरा इसी को ब्लॉग को यहीं से मैच हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा जो ब्लॉग है वो यहाँ पर है, तो मेरा जो ब्लॉग है उससे अगर ये मैच होता है तो ये मेरा ब्लॉग पोस्ट दिखाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यू आर एल्स किस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट किए जा रहे हैं। तो एक बार आपका कोई यू आर एल मैच हो जाता है तो क्या होगा कि वो पेज आपको करस्पॉन्डिंग दिखा दिया जाएगा व्यूज़ डॉट पी वाई से उठा के। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरा सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर बोल रहा है, आपका नहीं बोलेगा। मेरा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने मल्टीपल वर्जन इंस्टॉल कर रखे थे पाइथन के, तो वो ऐसा कभी कभी तब भी होता है कि जब आपने अपना जो पाइथन है वो रीइंस्टॉल किया और वापस से आप प्रोजेक्ट खोल रहे हो तो वो वही वाला जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो ढूंढ नहीं पाता है। तो
आप लोग ये कन्फिगर कर ही सकते हो। और मैं यहाँ पर 3.7 यूज़ कर रहा हूँ, अभी 3.8 आ गया है, आने वाले टाइम में 3.9, 3.9.8 और वो सब भी आ जाते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप उनको इंस्टॉल कर लेना, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बढ़िया। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि यूआरएल्स को देखकर किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट की जो हायरार्की है उसको समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं प्रोजेक्ट में कौन कौन से यूआरएल्स हैं और कहाँ कहाँ वो मैच करने हैं। इस पर्टिकुलरली अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उसकी जो ब्लॉग ऐप है वो सिर्फ दो एंड पॉइंट्स को सर्व कर रही है, एक तो ब्लॉग का होम है और कोई भी पोस्ट होता है तो उसके स्लग के हिसाब से वो डेटाबेस से पुल करेगी, ठीक है। तो अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर अपने आई कोडर ब्लॉग में और मैं यहाँ पर ये जो यूआरएल है इसको अगर फायर करूँ, तो आप लोग देखो कि यहाँ पर अगर मैं ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ब्लॉग का होम आ गया, और यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू रीडिंग करता हूँ किसी भी एक ब्लॉग में तो मेरा वो ब्लॉग पोस्ट आ गया। तो ये दो सिर्फ हमारे जो ब्लॉग पोस्ट हैं, सॉरी दो पेजेस हैं, वो हैंडल कर रहा है हमारी ब्लॉग ऐप और जो हमारा ये है बाकी के एंड पॉइंट, जैसे कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, ठीक है, होम है, ये सब हमारे हैंडल कर रहे हैं। कौन ये हमारे कर रहे हैं, जो होम ऐप है वो। तो अगर मैं होम ऐप के views.py के अंदर जाऊं तो यहाँ पर देखो मैंने हैंडल, साइन अप वगैरह वो सब चीज़ें करी हैं, कॉन्टैक्ट को मैंने सेव किया है। आप इनको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं मालूम। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से रखने की कोशिश करता हूँ इनको, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मेरा बन जाता है तो मैं इन सारे के सारे एंड पॉइंट्स को ऐसे रख देता हूँ, और ऐसे जब मैं रखता हूँ सारे के सारे एंड पॉइंट्स को तो मेरे सामने रहते हैं सारे एंड पॉइंट्स, जो भी मुझे खोलना है उसको मैं खोल के काम कर सकता हूँ और वापस से बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आराम से आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से आप लोग यहाँ पर सारे के सारी जो APIs हैं और सारे के सारे जो पेजेस हैं उनको आप रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर APIs या फिर ऑथेंटिकेशन APIs, मैं जो APIs हैं उनको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो मेरे पेजेस हैं वो अलग हो जाते हैं मेरे API से। ऑथेंटिकेशन APIs मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो मेरा पार्ट वन है क्रिएटिव यूज़ हेयर मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि HTML पेजेस, ठीक है। तो मैंने इनको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक तो मेरी APIs हैं, एक मेरी HTML पेजेस हैं जो कि मेरे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्च है। तो ये मेरे HTML पेजेस हैं और ये मेरी APIs हैं जो कि फाइनली क्या करती हैं, या तो रिडायरेक्ट करती हैं या फिर कोई एरर मैसेज दिखाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि ये रिडायरेक्ट करेंगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर सक्सेसफुली लॉग इन लॉग आउट को हैंडल किया हुआ है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइज है, ठीक है। सो कमेंट किस तरह बनाई जाए, ये हमारा जो है अगला सवाल आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है कमेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली क्या होगा कि हर पेज के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हर ब्लॉग पोस्ट के लिए, जैसे कि दिस इज़ अ टाइटल एक ब्लॉग पोस्ट है, सेकंड पोस्ट एक ब्लॉग पोस्ट है, दिस इज़ अ न्यू पोस्ट एक ब्लॉग पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए हम क्या करेंगे मल्टीपल कमेंट्स बनाएंगे, यानी कि कितने भी कमेंट्स जो होते हैं वो किसी पोस्ट से एसोसिएटेड हो सकते हैं। जब एक यूज़र कोई भी कमेंट बनाएगा तो क्या होगा, वो एक पोस्ट से एसोसिएट किया जाएगा, वो एक यूज़र से एसोसिएट किया जाएगा, और क्या होगा, इन दो चीज़ों से तो उसको एसोसिएट करना ही पड़ेगा हमको। क्या और चीज़ कोई आपके दिमाग में आती है? उसी के साथ साथ अगर वो एक रिप्लाई है तो हम क्या करेंगे, उसको किसी एक पेरेंट कमेंट से एसोसिएट करेंगे, वरना हम उसे नल से एसोसिएट करेंगे। तो जो भी कमेंट्स नल से एसोसिएटेड हैं, मतलब जिनका पेरेंट नल है, इसका मतलब कि वो खुद ही मतलब जो है वो पहले कमेंट है, यानी वो किसी के रिप्लाई नहीं है। तो हम एक पेरेंट फील्ड बनाएंगे और जो हमारा कमेंट होगा उसका डेफिनेटली एक टेक्स्ट होगा और सीरियल नंबर होगा जो कि प्राइमरी की होगी, और अगर आप सीरियल नंबर नहीं भी डालते हो तो जेंगो आपका ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। फिर हम किस टाइम पर वो कमेंट ऐड किया गया है वो एक फील्ड ऐड करेंगे। तो कुल हमारी यहाँ पर 6 फील्ड्स होने वाली हैं, एक सीरियल नंबर, एक कमेंट कि वो कमेंट का टेक्स्ट क्या है, तीसरा यूज़र होने वाला है कि किस यूज़र ने कमेंट किया है, उसके बाद ब्लॉग होने वाला है कि कौन सा ब्लॉग है वो जिसमें जिससे वो एसोसिएटेड है, जिसका वो कमेंट है, उसके बाद पेरेंट, क्या वो किसी और कमेंट का चाइल्ड है, यानी कि क्या वो किसी और कमेंट का रिप्लाई है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और उसी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो टाइम पर वो लॉग किया गया है वो आपको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को अपना जेंगो एडमिन दिखाऊं तो वो मेरा कुछ इस तरह से है। तो मैं यहाँ पर एडमिन एडमिन रखता हूँ, मैंने हैरी हैरी रख दिया पास, यूज़र आईडी पासवर्ड, तो मैं जो है इस चीज़ को चेंज करता रहता हूँ। तो ये हमारी जो है ब्लॉक की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जो हमारा मॉडल है उसकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो हम ये मॉडल बना के माइग्रेशंस को रन करेंगे, लेकिन उससे भी पहले बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि जो जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स्ट है
और साइट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स्ट है, इन सबको चेंज करना है तो किस तरह से चेंज किया जाए, तो ये भी सवाल बहुत आता है, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो आपके प्रोजेक्ट्स के यूआरएल डॉट पाई हैं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स के यूआरएल डॉट पाई में जाऊंगा, जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है आईकोडर और उसका यूआरएल डॉट पाई यहाँ पर है। आप लोगों को क्या करना है, एडमिन को इम्पोर्ट करना है जो कि ऑलरेडी मेरा इम्पोर्टेड है, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एडमिन डॉट साइट डॉट, और उसके बाद आप लोगों को लिखना है साइट अंडरस्कोर हेडर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कुछ इस तरह से आईकोडर एडमिन, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोग लिखेंगे, सिर्फ इतना अगर मैं सेव करूँ अभी इसको, और उसके बाद मैं आ जाऊँ यहाँ पर इसको रिलोड करूँ, तो यहाँ पर देखो आईकोडर एडमिन आ गया, यानी कि मैंने अपना ये वाला टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दिया एक लाइन में, सिर्फ मैंने एडमिन डॉट साइट हेडर इसको चेंज किया और मेरा ये चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर साइट टाइटल को चेंज करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल डी दबाऊँगा और साइट अंडरस्कोर टाइटल यहाँ पर लिखूँगा, और ये चीज़ मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर देखो मैं लिखूँगा आईकोडर एडमिन पैनल, और इसको मैं सेव करूँगा वापस से, रिलोड करूँगा, और यहाँ पर मैं लॉग आउट करता हूँ, सबसे पहले लॉग इन अगेन करूँगा, तो ये देखो आईकोडर एडमिन यहाँ पर लिखकर आ गया, लॉग इन करूँगा और आईकोडर एडमिन साइट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है लिखकर आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं जो टाइटल था इसका, अब आईकोडर एडमिन पैनल बन चुका है, तो देखो आप साइट एडमिनिस्ट्रेशन आईकोडर एडमिन पैनल, ये टाइटल इसका बन चुका है। अब मान लो मैं चेंज करना चाहता हूँ इसके इंडेक्स टाइटल को, तो इंडेक्स टाइटल क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, तो मैं कंट्रोल डी करूँगा और लिखूँगा यहाँ पर इंडेक्स अंडरस्कोर टाइटल, सेव करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा वेलकम टू आईकोडर एडमिन पैनल, ठीक है, रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो वेलकम टू लिखना था मुझे, वेलकम टू आईकोडर एडमिन पैनल यहाँ पर देखो लिख कर आ चुका है। तो ये सारे टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं, और ऐसा मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमने अपने क्लाइंट को जेंगो वेबसाइट बना के दिए है और हम चाहते हैं फॉर सम रीज़न यहाँ पर जेंगो लिख कर ना आए, वरना मेरी मेहनत दिखेगी नहीं कि मैंने कुछ किया है, उनको लगेगा सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, तो आप लोग यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो फील्ड्स बताई हैं अपने ब्लॉग के कमेंट्स को बनाने की, वो मैं फील्ड्स क्या करता हूँ अपने मॉडल्स डॉट पी वाई में टाइप कर देता हूँ, और ये मॉडल हम ब्लॉग के अंदर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, वो फील्ड्स जो है वो टाइप कर दूँगा, एक तो सीरियल नंबर है हमारी फील्ड जो कि हम लोग बनाने वाले हैं अपने ब्लॉग के मॉडल के अंदर, दूसरी फील्ड है कॉमेंट, ठीक है, तीसरी फील्ड है यूज़र, किस यूज़र से वो एसोसिएटेड है, फिर उसके बाद कौन से ब्लॉग से एसोसिएटेड है, ठीक है, इनफैक्ट कौन से पोस्ट से एसोसिएटेड है वो, और उसके बाद उसका पेरेंट क्या है, क्या कोई उसका पेरेंट कमेंट है जिसका वो रिप्लाई है, और उसके बाद टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को यूज़ करके अपने मॉडल को बनानी पड़ेंगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, और आप माइग्रेशंस को रन मत करना, सिर्फ एक बार ट्राई करना कि किस तरह से एक मॉडल बना सकते हो जो कि कमेंट्स को स्टोर कर सके, ठीक है। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद आप लोग मेरा ये वीडियो देखना अगला जो आने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से ये काम किया जाता है, तो आप लोग एक वापस से चेक कर पाओगे अपना अंडरस्टैंडिंग और मैंने किस हिसाब से सोच कर बनाया ब्लॉग। तो अगर हो सकता है कि आपका कोई पॉजिटिव पार्ट निकल जाए उसमें, तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना यार, मैं कहूँगा कि ट्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्राई आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, आप लोगों को ये ब्लॉग वाला जो पोस्ट है सॉरी ब्लॉग वाला जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। सो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि यार हरी भाई मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर मुझे मज़ा कैसे आएगा। सो आप लोग मुझे बता दिया करो कमेंट में लिख कर, वीडियो लाइक करते रहा करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हो। और ये प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करी है किसी ने तो ऊपर यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लेना, और नीचे यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना। सो आई होप कि ये जो ब्लॉग के अंदर कमेंट ऐड करने वाला पार्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगा, और हम लोग जो आगे कुछ वीडियो में करने वाले हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे, ठीक है। तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताना कि अरे भाई ये जो ब्लॉग का प्रोजेक्ट है मज़े दे रहा है, ऐसे करके मुझे कमेंट लिख के अगर आप दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको दिल दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू
नेक्स्ट टाइम।